कोई डर वाली वाली नहीं, बात तो डर नहीं है वाली ना, कोई बात नहीं क्योंकि है। दिल्ली में काफी लोग। हेलो दोस्तों, रिफिक सिनेमा के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारा बैच पूरा कंप्लीट हुआ है, जो कि पूरा पैनल रिपेयरिंग, जिसमें पैनल हो गया सोनी के जो सेट होते हैं, जिसमें ब्लिंकिंग, अलग अलग तरीके की ब्लिंकिंग आती है, उनको कैसे रिपेयर करना है, सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया, कंसोल मोड, कंसोल एंट्री हो गया, किस तरीके से की जाती है, पुट्टी सॉफ्टवेयर का यूज़ कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें हमारे सॉफ्टवेयर के जो कोर्स है इसके अंदर हम कवर करते हैं। MI के अंदर क्या होता है, पिक्चर उल्टी आती है, जिसके अंदर प्रॉब्लम आती है कि आपका अलग से सर्विस मोड नहीं खुलता है और पिक्चर सीधी नहीं हो पाती है, उसको कैसे रिपेयर करते हैं। आजकल सर्विस मोड आ ही नहीं रहे हैं पैनल सेटों के अंदर। तो चलिए जानते हैं कि आज हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, जिनका भी कोर्स कंप्लीट हुआ है, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है रीफिक्स इंडिया के साथ। तो चलिए जानते हैं, आपका नाम क्या है सर? सुधीर जायसवाल। सुधीर जी, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा रीफिक्स इंडिया में? जी बहुत अच्छा सर जी, बहुत अच्छा पढ़ाए हैं। बहुत अच्छा पढ़ाए, तो डिस्प्ले के बारे में, मदरबोर्ड के बारे में, हर चीज़ बहुत अच्छा अच्छे समझाया, अच्छे से समझाया। तो पैनल वगैरह आप रिपेयर कर सकते हैं, कुछ हाथ डाल सकते हैं, कोई ऐसा डर वाली बात तो नहीं है? नहीं, आप एकदम बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। DC टू DC AC का पूरा सर्किट आपने समझा? जी हाँ, क्लियर तरीके से। सप्लाई भी अच्छे से बताया गया, सप्लाई भी अच्छे से बताया, सप्लाई, मदरबोर्ड रिपेयर करना, डिस्प्ले रिपेयर करना, सब कुछ बिल्कुल अच्छे से बताया। आप कहाँ से हो वैसे? गुजरात अहमदाबाद। गुजरात अहमदाबाद से हैं सुधीर भाई। अगर आप भी LCD LED TV अगर आप वहाँ से देख रहे हैं और आप रिपेयर कराना चाहते हैं, तो सुधीर जी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अहमदाबाद में कहाँ से हैं? वस्त्राल। वस्त्राल जगह है, शॉप का नाम क्या है आपकी? अर्पित इलेक्ट्रॉनिक्स। अर्पित इलेक्ट्रॉनिक्स करके है। अगर कोई भी व्यूअर अगर देख रहा है जिनके TV के अंदर दिक्कत है, और आप अहमदाबाद से हैं और आप TV को रिपेयर कराना चाहते हैं, तो सुधीर जी से मिल के उसको रिपेयर करा सकते हैं। अभी तो शॉप चल रही है प्रॉपर तरीके से, तो अभी LCD LED वगैरह सारा काम चल रहा है। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं सर के साथ। सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा जी सर। तो क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे मिली? मदरबोर्ड का, टिकोन बोर्ड का, डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम आ रही है? आप तो सर बहुत पहले से काम कर रहे हो, लग रहा है कि बहुत, मतलब पहले से आपने बहुत काम किया है टेक्निकल? नहीं नहीं, थोड़ा बहुत तो जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं। इससे पहले तो आपने काम किया ही है? नहीं, टीवी में नहीं किया था। टीवी में नहीं किया जी? नहीं। किस चीज में काम किया था? जैसे क्या बोलते हैं उसको, VCR वगैरह? हाँ, वो सब काम किया है। एम्पलीफायर वगैरह चलता था हमारे यहाँ, जो चलता था उसका। आजकल इलेक्ट्रिक चूल्हा जो आ रहा है उसमें ज्यादा इंडक्शन वगैरह, इंडक्शन वाला। अच्छा अच्छा, तो वो भी कर रहे हैं आप जी? तो सर है, सर आप बेसिकली कहाँ से हैं आप? हम बगहा बिहार। बिहार से है, तो अगर मान लो बिहार के अंदर कोई देख रहा होगा ये वीडियो, तो आप क्या रिकमेंड करना चाहोगे? रीफिक्स इंडिया आ सकते हैं या एकदम आँख मुन के आ सकते हैं? आँख मुन के आ सकते हैं। जी जी जी। तो यहाँ पे रिपेयरिंग वगैरह का पूरा आपको मिलता है देखने जी, के जी। लिए? हमको तो कुछ जानकारी नहीं था टीवी के विषय में। हाँ। लेकिन यहाँ क्या, अब यहाँ पर आने के बाद से बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिला जी। एडवांटेज ये रहता है दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ क्या रहता है कि अलग अलग सेट भी रिपेयर होने के लिए आते हैं, तो अलग अलग सेट आते हैं, अलग अलग फॉल्ट भी देखने को मिलते हैं। और अपने यहाँ जाके हम रिपेयर अपने से करेंगे, करेंगे अपने बल पर जब करेंगे सर, तो ज्यादा एक्सपीरियंस, तो ज्यादा एक्सपीरियंस और बढ़ेगा। यहाँ से ये है कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा, बेसिक आपसे ले, बेसिक आपका क्लियर हो गया, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हो गया, अब आगे जाके हम काम कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे मिलते हैं। आपका नाम क्या है? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार, जितेंद्र भाई कहाँ से आप? बिहार, भागलपुर से। भागलपुर से है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। अभी आप क्या काम करते हैं वैसे? अभी तो टीवी रिपेयरिंग का काम करते हैं। टीवी रिपेयरिंग का काम करते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा? बिल्कुल बढ़िया रहा, बढ़िया रहा। तो इससे पहले मतलब क्या क्या दिक्कत आती थी आपको टीवी के काम करने में? टीवी में जैसे पैनल में प्रॉब्लम, टिकोन वगैरह नहीं आइडेंटिफाई कर पाते थे, PCB में क्या पार्ट्स है, क्या उसका नाम है, ये सब जान नहीं पाते थे। तो अभी सारा बताया गया, LDO, MOSFET और डायोड, PFC सर्किट, ये सारा बताया गया जो कि वो अब कर सकते हैं। DC to DC सर्किट वगैरह आपने समझा? पैनल, हाँ, पैनल में DC to DC गामा आपका हो गया, गामा सेक्शन, और क्या कहते हैं उसमें जो भी है, सारी चीजें आती है, जो आती है वो सारा आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं। अगर मान लो कोई भागलपुर में देख रहा हो, तो क्या कह सकते हो कि भाई रीफिक्स इंडिया में जाके कोर्स करना है? बिल्कुल, हाँ, ये रिकमेंडेड करेंगे कि वो आके आप सीख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, मतलब बहुत बढ़िया। क्योंकि क्या होता है कि काफी दूर दूर से लोग आते हैं, बिहार काफी दूर है दिल्ली से, और अलग अलग जगह नेपाल है, तो काफ़ी दूर से लोग आते हैं, तो उसमें क्या रहता है, लड़कों को डर रहता है कि हम दिल्ली में जा रहे हैं तो कुछ हो ना जाए। तो ऐसा तो यहाँ पे कुछ नहीं है, सबके साथ बराबर का बिहेव किया जाता है, कोई चेंजेस वगैरह नहीं कि भाई
आपके साथ कोई बिहेवियर खराब ऐसा तो नहीं है? नहीं कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपको फुल्ली आपको हर तरीके से मतलब ट्रीट किया जाएगा, जिससे कि आपके पास कैसी नॉलेज रहती है, आपको कैसे अपडेट करना है, तो पूरा ये सारी चीज़ रहेगी। आप बेफिक्र होकर दिल्ली आ सकते हैं। आगे हम मिलते हैं सर से। तो सर आप क्या काम करते हैं? मैं पहले सीआरटी का काम करता था। सीआरटी का काम करते हैं? चंद्रपुर महाराष्ट्र से हूँ। चंद्रपुर महाराष्ट्र से? मेरा नाम प्रमोद है, प्रमोद गनवार। तो सर शॉप है आपकी भी? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, रिपेयरिंग का काम करता हूँ। रिपेयरिंग का काम करते हैं। तो महाराष्ट्र में अगर कोई देख रहा हो तो सर क्या कह सकते हैं? तो आइए रिफिक्स इंडिया में सर्विस, 15 दिन की ट्रेनिंग है। डरवाने वाली बात तो नहीं है? वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि दिल्ली में काफी लोग आते हैं ना, मेरे से बोलते हैं कि सर दिल्ली में आना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, डर लगता है। नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। पीजी वगैरह कैसा है, खाना पीना सब? सब ठीक है, सब बढ़िया है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा? अच्छा रहा। आपका सर? सर मेरा नाम राजू है। हाँ। राजू खरवार। हाँ। मैं मुंबई महाराष्ट्र से आया। हाँ। ठीक है, मैं टीवी रिपेयरिंग का काम करते हो ऑलरेडी? अच्छा, थोड़ा आपको अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा लगा सर, बढ़िया रहा, बढ़िया लगा। सर से बात करते हैं, सर को काफी एक्सपीरियंस है। मेरा नाम कृष्णकांत सुतार है। अच्छा, मैं तेलंगाना से आ रहा हूँ। अच्छा, तेलंगाना से है सर? आपको बहुत तेलंगाना हैदराबाद से और 280 किलोमीटर दूर है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर शॉप है आपकी, ये कैसे काम करते हैं? छोटा से शॉप है, शॉप है आपका। पहले से रेडियो का काम सीखे थे। रेडियो का काम बहुत पहले सीखा था? बहुत पहला। अच्छा, रेडियो, बाद में टेप रिकॉर्ड, डीवीडी प्लेयर, सीडी प्लेयर, ऐसे ही काम करते करते, टेक्निकल काम करते करते अभी यहां तक पहुंचे। बाद में सीआरटी टीवी में जब पढ़ा तो पहला बहुत मुश्किल होते थे। बाद में पर रात में बैठ के किताब मिलते थे। पहले तो किताबें वगैरह आती थी, अब तो ऐसा कुछ आता नहीं है। आता नहीं, अभी वो जमाना तो चले गए, अभी आ गया सीडी, एलसीडी, एलईडी आ गया। तो कैसा है, इसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, तो तभी आगे जाके काम कर सकते हैं। काम कर सकते हैं यहाँ के, तो बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है सर। तो प्रैक्टिकल देखने को मिला सर, कितना प्रैक्टिकल देखने को मिला आपको? हाँ ठीक है, इसका जितना ही करूँ देखो, मेन एक्सपीरियंस का ऊपर, काम करने का ऊपर निर्भर करता है। जितना मैं प्रैक्टिस करता हूँ उतना ही जल्दी आगे पहुँचता, उतना आगे बढ़ते हैं, मेन एक्सपीरियंस प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिस के ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए सर बहुत बढ़िया, आप इतनी दूर से भी यहाँ पे आए, भरोसा किया, बहुत 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 धन्यवाद। अभी आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा यहाँ पे, कैसा रहा? हाँ ठीक है, रहने का खाने का तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कम से कम 10 साल से मैं चावल ही खा के आए, अच्छा, उधर चावल ही पसंद करता है। अच्छा, यहाँ आके चावल खाने से मेरे को अच्छा नहीं लगता। अच्छा, रोटी खाए, यहाँ पे रोटी अच्छी लगती है, रोटी अच्छा लगता है, रोटी खाता रोज। आगे बढ़ते हैं। हेलो सर, मेरा नाम मेरा नाम बसुराज, मैं गोवा से हूँ सर। गोवा से हो आप? हाँ गोवा से हूँ। अच्छा, मैं बॉन्डिंग का काम करता था। अच्छा, फ्रेशर हूँ। अच्छा, इस फील्ड में, इस फील्ड में फ्रेशर हो, आप बॉन्डिंग का ऑलरेडी काम करते हो। गोवा के अंदर बॉन्डिंग मशीन लगी हुई है आपकी? हाँ लगी हुई है। गोवा में कहाँ लगी हुई है आपकी? साकलीम में। सात्री? साकलीम, साकलीम। अच्छा, साकलीम जगह, बिचोली तालुका। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे आपके पास काम जो आता था, यानी बोर्ड वगैरह का काम आता था, वो नहीं कर पाता? हाँ, नहीं कर पाता था। अच्छा। इधर आने के बाद मैं बेसिक भी पूरा अच्छी तरह से सीख गया। सीख गए हो? और जो चीजें मेरे को पता नहीं था यहाँ सीखने के लिए मिले। तो मतलब प्रैक्टिकल देखने को मिला? प्रैक्टिकल देखने के लिए मिला। प्रैक्टिकल कितना मिला? बहुत सारा मिला, बहुत सारा प्रैक्टिकल मिला। रोज एक फोल्ड देखने को मिलता है आपको? नया नया फोल्ड देखने के लिए, नया नया फोल्ड, क्योंकि अपने पास यहाँ पे रिपेयरिंग का सेटअप है पूरा, सब चीजें यहाँ पे रिपेयरिंग के लिए आती है, तो नई नई चीजें आपको देखने को यहाँ पे मिलती रहेंगी। हाँ, और सॉफ्टवेयर का जो मेरे को इश्यू था वो भी क्लियर हो गया। सॉफ्टवेयर का इश्यू क्लियर हो गया? हाँ, जैसे एमआई वगैरह के अंदर लोगों को अभी कर लूंगा मैं। कर लोगे अच्छी तरह से? जैसे पुट्टी वगैरह चला लोगे, कंसोल वगैरह? चलिए बहुत बढ़िया चीज है। तो क्या रिकमेंड करना चाहोगे गोवा में, अगर कोई टेक्नीशियन देख रहा होगा जो कोर्स करना सोच रहा होगा दिल्ली आने के लिए, तो कोई डर वाली बात तो नहीं है? रिफिक्स इंडिया में आएगा? यहाँ तो डर वाली बात नहीं है, कोई खाने पीने का कुछ ये नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ, तो अपना यहाँ पे रह रहे हैं और सीख रहे हैं बढ़िया तरीके से? हाँ सर, तो परफेक्ट है यहाँ पे, परफेक्ट। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत धन्यवाद आपने रिफिक्स इंडिया को चॉइस किया, बाकी बहुत सारे लोग हैं सिखाने के लिए, रिफिक्स इंडिया को ही चॉइस किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आगे मिलते हैं जितेंद्र जी से। सर मेरा नाम नीरज प्रजापति। नीरज प्रजापति जी, मैं मध्य प्रदेश के दतिया जिला से हूँ। अच्छा, हाँ, तो अभी क्या काम करते हैं आप? पहले सर मैं यही टीवी करता था और एलसीडी वगैरह मेरे पापा करते हैं। हाँ हाँ, तो पुरानी शॉप है आपकी? हाँ, पुरानी शॉप है। अच्छा, तो कस्टमर आते थे मगर इतनी नॉलेज नहीं होती थी। हाँ, कि क्या करें इनमें। हाँ, कैसे पैसे बताएं। हाँ, अब
टीवी देखने से ही पैसे बता सकते हैं आप कस्टमर को, देख के बता सकते हैं भाई इतना खर्चा आएगा, कितनी ब्लिंकिंग हो रही है, तो क्या फॉल्ट हो सकता है उसमें, रिपेयर होगा या नहीं होगा, रिपेयर होगा कि नहीं होगा, क्या बॉन्डिंग से है, पहले पता ही नहीं होता था कि बॉन्डिंग से करें या क्या रिपेयर करें, कहां से शुरू करें इसको, अभी पता है कि यहां से शुरू करना है तो उसको ठीक कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करना है। तो ये एक तरीके का आपको प्लस पॉइंट यहां पे मिल गया, एक रास्ता मिल गया, रास्ता मिल गया। अब क्या है कि अब हम उसको स्पीड में कर सकते हैं, पहले बहुत टाइम लगता था, दो दिन रखा है, फिर उसको देख रहा है कि कैसे करना है इसको, कई बार इधर उधर से भी कराना पड़ता होगा तो कुछ पैसे तो वही ले जाता है, अभी आप खुद कर सकते हैं, अब हम खुद कर सकते हैं, चलो बहुत बढ़िया चीज, और जल्दी भी कर सकते हैं, जल्दी भी कर सकते हैं, चलो बहुत अच्छी बात है नीरज भाई, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी आए रिफिक्स इंडिया में। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे जो ट्रेनिंग होती है पूरी प्रैक्टिकली होती है।